नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 13। आशा करती हूं इससे पहले के सभी अध्यायों का श्रवण आप लोगों ने अवश्य ही किया होगा। आइए आज अध्याय 13 का श्रवण करते हैं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये सशंखचक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलशौभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज जलंधर ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर्वत पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे जाकर उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, परंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश उसने कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाड़ी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नृसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों के मांस का भक्षण कर ले, और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञा पालक जानकर परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गढ़ होकर रहने लगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, जिस घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति होती है, वहां से माता लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी की स्तुति अत्यंत ही प्रिय है। प्रतिदिन विष्णु चालीसा का पाठ करने से भगवान विष्णु जी की कृपा तो बनी ही रहती है, साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसती है। आइए पाठ आरम्भ करती हूँ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मछाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसे ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी।
देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म छतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्या कुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जन हारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूं आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति मैं करहूं समर्पण। सुरु मुनि कहत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयंतम, बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम,
संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।